गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 13, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। हमने इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब से 1947 से इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो उसके बाद उन्होंने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, चाइना ने सेंट्रल प्लान इकोनॉमी अडॉप्ट की और तीनों वे ऑफ पाथ पे चले। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने की, किस किस फील्ड में कौन आ गया, ये हमने डिस्कस किया था कि चाइना ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की, उसके बाद इंडिया ने की और पाकिस्तान ने सबसे कम ग्रोथ की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हुई, ये सारा का सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी ग्रोथ के लिए। और उसके बाद हमने जीडीपी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, सेक्टरल शेयर के बारे में डिस्कस किया कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे हुए, ये सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट कितना प्राइमरी सेक्टर में मिला, कितना सेकेंडरी में मिला, कितना टेरिटरी में मिला तीनों कंट्रीज का, ये सारा का सारा डिस्कशन किया। अब है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो क्रिटिकल इंडिकेटर डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया पाकिस्तान चाइना का है, ये 2011 का इंडिकेटर्स दे रखा है, मीन्स जो टेबल है आपको कितने का, 2011 का। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है इंडिया की कितनी है, मिलियन में 1210 मीन्स 121 करोड़। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़। चाइना की कितनी थी, 133.9, ठीक है, और पाकिस्तान की कितनी थी, 176.2 मिलियन। एनुअल ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का कितना है, 1.76% एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन का, चाइना का बहुत ही कम है 0.47, आधे परसेंट से भी कम है, और पाकिस्तान का 1.8, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका है पॉपुलेशन का, पाकिस्तान का 1.8 1.76 का माइन्यूट डिफरेंस है, बट दोनों में चाइना मीन्स इंडिया और पाकिस्तान का लगभग जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का वो बराबर है, लेकिन चाइना का बहुत ही कम है, 1/3 से भी कम है, मीन्स 1/4 समझिए। डेंसिटी जो है स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 382। डेंसिटी की अगर बात करें तो एक किलोमीटर में की एरिया में यहाँ की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पर्सन्स जो है एक किलोमीटर में रहते हैं। चाइना में 143 ओनली और पाकिस्तान में 225। मीन्स एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंडिया में है, और अगर कंपेयर करें चाइना में सबसे कम है उस हिसाब से एरिया वाइज, क्योंकि चाइना के पास एरिया बहुत है और हमारे पास एरिया तो बहुत कम है उस हिसाब से, और पॉपुलेशन उस हिसाब से थोड़ा सा ही डिफरेंस है चाइना और इंडिया का, तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना आता है, 382 मीन्स 382 लोग जो है एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, और जबकि चाइना में 143 और पाकिस्तान में 225। अब इसके बाद सेक्स रेशियो देखा जाए, नंबर ऑफ वुमेन जो है अगर 1000 मेन के ऊपर अगर देखा जाए तो वुमेन कितनी है, 940, पाकिस्तान इंडिया में कितनी है, 940, चाइना में 950 और पाकिस्तान में 952 वुमेन पर 1000 मीन्स मैन। अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन रूरल और अर्बन कैसे शहरीकरण देखा जाए तो इंडिया में कितना, 31.2% लोग जो है वो शहर में रहते हैं, चाइना में 51.3% और पाकिस्तान में 37.2% में सबसे जो कम लोग रहते हैं शहर में वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे विलेज में जो है वो ज़्यादा। इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर हैबिटेट फॉर 38% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंडिया और चाइना की लगभग 38% पॉपुलेशन है दोनों की, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन दोनों को मिलाया जाए तो कितनी है, 38%। इंडिया विद अ लिटिल मोर देन 1.3 बिलियन पीपल इज हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया के पास जो है वो कितनी है,
और चाइना हैज नियरली 1.38 बिलियन पीपल हैबिटेट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो है इंडिया चाइना में पूरे वर्ल्ड की मीन्स 1/5 जो पॉपुलेशन किसके पास है चाइना के, और 18% जो है वो किसके पास है इंडिया के। इन कंपैरिजन पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, पाकिस्तान क्या है स्मॉल कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन जो कितनी है 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया, चाइना और इंडिया के मुकाबले 1/10 जो है वो पॉपुलेशन है। बोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, और इस वजह से चाइना और इंडिया को बहुत बड़ा मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तो रिसोर्सेज की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इस वजह से जितना भी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च होता है। डेमोग्राफिक पैरामीटर डिस्टिंक्टली फेवर ऑफ चाइना, मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर डेमोग्राफिक पैरामीटर देखा जाए चाइना का तो वहाँ पे क्या है, एक तो लो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, मीन्स डेंसिटी कम है वहाँ पे, कम लोग रहते हैं पर कुछ स्क्वायर किलोमीटर पे, एक वहाँ पे रेट ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा कम है सिर्फ 0.7%, और वहाँ वजह क्या हुई, उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन 1979 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई, और ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का जो नियरली 133% था 1979 में वो कितने पे आ गया 0.47 पे, मीन्स 1/3 पे लगभग पहुंच गया, तो इतना इससे फर्क पड़ा कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी जब से वन चाइल्ड पॉलिसी ने 1979 में अडॉप्ट की तो ग्रोथ रेट एकदम से पॉपुलेशन का नीचे आ गया। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी फेयरली हाई इंडिया, 1.17% 2017 में एस्टिमेट किया, अलार्मिंगली हाई पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितना है 2017 में 1.43%, वहाँ पे हम लोगों से भी इंडिया से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का पाकिस्तान में इस समय है। चाइना है लो डेंसिटी पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा बहुत कम लोग रह रहे हैं उसके कंपेरिजन हमारे इंडिया में ज़्यादा है, तो इस वजह से अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट लोअर डेंसिटी इंप्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन द कंट्रीज नेचुरल सोर्सेज, अब डेंसिटी कम है तो नेचुरल सोर्सेज की भी स्ट्रेस कम होगा उन पे, इस वजह से रेजिंग इट्स एबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बोथ चाइना पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया, वहाँ पे अर्बनाइजेशन का ब्राइटर साइन शो करता है हमारे इंडिया से ज़्यादा अच्छा, वहाँ पे जो है ज़्यादा शहरीकरण जो है वो ज़्यादा, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन वगैरह सबसे जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जुड़ी हुई है। इन इंडिया 31.2% ऑफ पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है और वहाँ पे 51% और पाकिस्तान में 37.2%। इसी तरीके से हमने रेशियो देखा, सेक्स रेशियो में अगर देखें तो 943, 950, 952 इंडिया, तो इस तरीके से हमारा जो है वो भी हमने डिस्कस किया है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर द बेटर, जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, एडल्ट लिटरेसी रेट हायर द बेटर, ये भी अच्छी बात है जितना लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज हायर द बेटर, जितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग वाटर सोर्सेज की ज़्यादा होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिस्ट पॉपुलेशन लोअर द बेटर, अंडर न्यूरिस्ट मीन्स जिसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है उतनी जिसकी जितनी परसेंटेज कम होगी उसको वो जितना ही ज़्यादा अच्छा शो कर रहा होगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन हायर द बेटर, जितना सैनिटेशन अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया, और GDP पर कैपिटल तो US डॉलर में अगर उसको करें परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग तो जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा अच्छा है। बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर कंपोजिट इंडेक्स जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करता है, तो ये सारा का सारा इसमें आता है। इंडिया इन द ईयर 2018 एसजीए चाइना इंडिया पाकिस्तान का अगर हम एस्टिमेट करें तो 0.758, 6.0.647,
एंड 0.56 रिस्पेक्टिवली। ये है हायर एशियाई रैंकिंग चाइना इज मेनली ड्यू लार्जली टू जीडीपी पर कैपिटा, वहाँ पर कैपिटा जो है वो ज़्यादा चाइना। इन द ईयर 2018 जीडीपी पर कैपिटा 2011 पी यूएस डॉलर वॉज एस्टिमेटेड टू बी यूएस डॉलर 16,187 वाइल मेयरली यूएस डॉलर 6,829 इन इंडिया, और पाकिस्तान में सबसे कम है यूएस डॉलर जो है 4,928 वहाँ सबसे ज़्यादा कम है। बिसाइड हायर जीडीपी कैपिटा चाइना परफॉर्म बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। किस वजह से? नरिशमेंट में, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड में, इन सब की वजह से चाइना का बेटर जो है वो यहाँ से मॉर्टलिटी रेट अगर देखा जाए उसमें भी उसने ज़्यादा अच्छा किया है। ठीक है, चाइना कंपेयर टू 1000 अगर हर चीज़ में देखा जाए तो इंडिया से और पाकिस्तान से चाइना ने ज़्यादा ग्रोथ की है एसडीआई के मामले में भी। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें उनका उनको भी अगर कंपेयर किया जाए तो उसने ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस की है। अब कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों की सक्सेस स्टोरी क्या क्या है, दोनों ने क्या क्या साथ किया। बोथ इंडिया पाकिस्तान हैव सक्सेसेड मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम, दोनों की डबल से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हुई, ये इनकी एक दोनों की कॉमन अचीवमेंट्स हैं। एब्सोल्यूट जो द इंसिडेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इक्वेटेड विद डॉलर वन पर डे हैज बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, नंबर बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यूज टू बी लार्ज, और फूड प्रोडक्शन हैज सक्सेसफुली कैप्ट पेस विद द राइज इन पॉपुलेशन, फूड प्रोडक्शन भी पॉपुलेशन के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा वो बढ़ा, और फूड सेल्फ सफिशिएंसी है उसमें भी खूब अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि पहले हम लोग किस पे डिपेंड थे, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़े इस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी, उस हिसाब से हमने क्या किया सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मीन्स हमें बाहर के लोगों पे या फॉरेन कंट्रीज पे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। अब वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर भी डेवलप हुआ है, फाउंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन बोथ द कंट्रीज, ने ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल किया। इंडिया एंड पाकिस्तान है मोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, में दोनों ने एक साथ अच्छा योगदान किया, जैसे जैसे इंडिया ने किया वैसे वैसे पाकिस्तान ने भी किया। इनिशियली पाकिस्तान हैज अचीव्ड बेटर रिजल्ट एज रिगार्ड एक्सेस इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, हाउएवर इन द रिसेंट इंडिया हैज सरपास्ड पाकिस्तान, वाइल पाकिस्तान 91.4% पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, इंडिया 94.1%। अब ये CIA वर्ल्ड फेसबुक के अकॉर्डिंग, फैक्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 2019 की रिपोर्ट है कि इन्होंने बहुत अच्छा जो है वाटर सोर्सेज के अकॉर्डिंग काम किया। कॉमन फेलियर्स क्या क्या हैं दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान के अगर देखें तो रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक प्रोसेस है, प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक कंट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने इनको एडवांटेज ग्लोबलाइजेशन का प्रॉपर नहीं मिल पाया, और जो माइंड सेटअप था पॉलिटिशियन का ब्यूरोक्रेट्स का वो उन्होंने प्रोग्रेस जो है वो उतनी नहीं की जितनी की करनी चाहिए थी। कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी देयर प्रेफर्ड ऑप्शन रेदर देन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्राइवेट सेक्टर हैज थ्रेट मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट ब्राइब्स लोन्स, ये सारा जितनी भी वजह हैं इस वजह से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, पब्लिक रिसोर्सेज हैं, इनको टैक्स इवेजन टैक्स चोरी है, तो ये दोनों के दोनों में बहुत ज़्यादा पाया गया, तो इस वजह से जो है दिक्कतें जो है वो ज़्यादा हुई। फिस्कल मैनेजमेंट जो है ग्रॉसली डिसअपॉइंटिंग, दोनों ने डिसअपॉइंट किया। हायर फिस्कल डेफिसिट एवरेजिंग 7-8% ऑफ GDP है परसिस्ट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ओइंग टू ह्यूज बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन हैज फेल टू ट्रेंड ऑफ द डिजायर्ड एक्सटेंट, इस वजह से जो डेफिशिट है फिस्कल डेफिशिट है वो भी 7-8% जो है वो GDP का रहा। लार्ज पोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर, और दोनों कंट्रीज ने डिफेंस पे बहुत जोर दिया है, तो बहुत ज़्यादा जो GDP का जो है उससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत बड़ा पोर्शन रेवेन्यू का किस पे खर्च किया, डिफेंस में, दोनों को लड़ाई के उसमें अपने आप को बचाने के लिए तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने खर्च किया है। इंटरनल डेप्थ जो है इससे बढ़े हैं, और इन्होंने प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को हैम्पर किया। डेफिशिएंट अर्बन सर्विस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे इसको भी हर्डल्स हुआ। पॉलिटिशियन आर येट टू प्रोवाइड सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोकसिंग ऑन सोशल वेलफेयर, अ वाइड बिटवीन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन द वन हैंड
एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर एंड, पॉलिसीज बन जाती है लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है, तो ये भी एक सीरियसली हिंड्रेंस है जो कि इनको पीछे धकेलता दोनों कंट्रीज के फेलियर्स में आता है। अब एरिया वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान, कि इंडिया ने किस तरीके से इससे ऊपर क्या क्या काम किए। इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया इज बेटर प्लेस देन पाकिस्तान, की अच्छी इस स्थान जो है अच्छी प्लेस है किससे, पाकिस्तान से, किस क्षेत्र में मैन पावर रिसर्च डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशंस में इंडिया आगे। इंडिया हैज शोन अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इनेबल, इन चीज़ों में इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। इंडिया साइंटिस्ट एक्सेल इन द एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एपिक रिसर्च, इनमें भी इंडिया आगे निकला, जेनेटिक टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान इज वे बिहाइंड, पाकिस्तान इन सब चीज़ों में भी बहुत पीछे रह गया। द नंबर ऑफ पीएचडीज प्रोड्यूस बाय इंडिया इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एवरी ईयर अबाउट 5000 हायर देन द पाकिस्तान, ये सारे भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। इंडिया हैज अ बेटर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च जो इंडिया में हो रहा है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, अडल्ट लिटरेसी रेट में, फीमेल लिटरेसी रेट में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेवल एंड एजुकेशन इंडेक्स, इन सारी चीज़ों में इस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपेयर करें पाकिस्तान से जो है ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। ओइंग टू रैपिड डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट अगर बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन स्लैश्ड, ये यहाँ का कम हुआ, व्हाइल इन पाकिस्तान इज कंटिन्यूज टू बी हायर 1.43%, यहाँ पे 1.17% इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वैसे ही चल रहा है, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वैसे ही उसी हिसाब से चल रही है। इश्यूड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन जनरल इन्फेंट मोर्टिलिटी इन पर्टिकुलर बेटर एड्रेस इन इंडिया, और इन्फेंट मोर्टिलिटी की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो इसका भी ज़्यादा अच्छा इलाज या जो भी बात करें हम हेल्थ की, वो भी इंडिया में आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया में इलाज करवाने के लिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी वो भी वहाँ से ज़्यादा अच्छी है। अब एरिया वेयर पाकिस्तान ने किन किन चीज़ों पे इंडिया पे आगे निकला है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज इंडिया, पाकिस्तान दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, बट माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन में पाकिस्तान ने इंडिया से आगे निकला, मीन्स एक तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ज़्यादा इससे आगे निकला और रूरल से अर्बन में शहरीकरण वहाँ पे ज़्यादा हुआ, और बाय रिड्यूसिंग बीपीएल पॉपुलेशन 29.5% टोटल एस्टिमेट 21%, पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटजी बेटर ह्यूमन फेस दैन इंडिया, यहाँ की जो बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान ने हमसे ज़्यादा अचीव किया, इंडिया से उसने ज़्यादा उस पर फोकस किया। इंडिया रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान हैज लोअर देन द इंडिया, एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन हायर, वहाँ की जो वेन इवन वेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जो है वो हैज बीन लोअर देन इन इंडिया, इंडिया में जो है वो कम है उस हिसाब से। पॉवर्टी इन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, पॉवर्टी की अगर बात करें इंडिया में कितनी है 21.9%, चाइना में 3.3% ओनली एंड पाकिस्तान में 29.5%, ये कब की रिपोर्ट है 2018 की। तो ये सारे का सारे जो है डिस्कशन हमने की है कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना की कंपेरेटिव स्टडी जो है इस चैप्टर में हमने की कि क्या क्या जो है वो चेंजेस आए और किसने किसको पीछे छोड़ा और कौन किससे आगे गया। अब आगे चाइना ने कैसे इंडिया को पीछे छोड़ा, चाइना के एजेस ओवर इंडिया, चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगन मोर कंप्रेहेंसिवली ड्यूरिंग 80s में, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की इंडिया से। अब उन्होंने एक्टिवली 90s में इंडिया फोकस फ्रॉम ऑन GDP, मोर GDP ग्रोथ, अब इंडिया 90s में इंडिया ने ग्रोथ अच्छी की बट चाइना फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, चाइना ने किस पे फोकस किया, पॉवर्टी को हटाने में, इरेडिकेट द पॉवर्टी। वाइल रूरल पॉवर्टी इन चाइना डिक्लाइन 85% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1978 से लेकर 89 तक, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कम हुई। वाइल इन इंडिया इट डिक्लाइन ओनली 50%, यहाँ पे सिर्फ 55% कम हुई, वहाँ पे कितनी हुई 85%। रिसोर्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ चाइना एग्रीकल्चर वेंट लॉन्ग वे, एब्लिश्ड ऑफ कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, वहाँ पे कलेक्टिव कल्टिवेशन हुआ, इंस्टेड ऑफ हाउस होल्ड वर अलॉटेड लैंड फॉर
individual cultivation through ownership of land remained with the state. The brought about a radical transformation in agriculture. वहाँ पे agriculture में भी बहुत बड़े changes आए. In India, agriculture reforms have been less effective than in China. यहाँ के जितने changes आए, reforms आए, इन्होंने उतना असर नहीं छोड़ा जितना कि China में हुआ. Also, global exposure अगर बात करें, country has been more wider in China than in India. वहाँ का ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा growth किया. China allowed foreign investor 100% equity investment. FDI को उन्होंने 100% दिया. It allowed the foreign investor freedom to hire and fire. In the worker offered then lucrative infrastructure. China was liberal in allowing FDI को उन्होंने allowed किया और उन्होंने सेज बनाई special economic zone के लिए भी उन्होंने बनाया. तो ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि चाइना ने कितना ग्रोथ ज़्यादा किया इंडिया के ऊपर, उन्होंने कितने फेलियर इंडिया के, चाइना के और पाकिस्तान के, और कितने इनके सक्सेस हैं, कितने कॉमन सक्सेस हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने एज ओवर किया इंडिया पे, पाकिस्तान पे. तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया. सो स्टूडेंट, यू हैव टू कम्प्लीट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड योर सिलेबस हैज बीन फिनिश्ड बाय दिस चैप्टर. सो फ्रॉम टुमारो you have to you have to complete the questions chapter wise in your book notebooks copies I mean. तो आपको copies में question में दूंगा जो आपको उसके according करने हैं, chapter wise questions होंगे, उसी के according आपको answers एक अलग से copy बना देंगे, उसमें आपको अपने अपने answers जो है वो करने 15 या 10 से 15 हर चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे. वो कौन से होंगे? जो बोर्ड रिलेटेड होंगे, बोर्ड्स में जो आने वाले होते हैं क्वेश्चंस, तो उसको आपको प्रिपेयर करना. सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.